सबसे बड़ा मकसद इस वक्त ये है कि एक जवान जो नक्सल की कस्टडी में उनके कब्जे में है उसके लिए अपील करने के लिए एक लेटर तो मैं पहले जारी कर चुके हैं जेल बंद रिहाई कमेटी की तरफ से। तो अभी उसी के लिए हम वहाँ जा रहे हैं कि घटनास्थल को देखते हुए मतलब वो जवान किस ओर ले गए, क्या है, क्या स्थिति है। सरकार और माओवादी के बीच के लिए मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि सरकार कब वो टीम बनाएगी, कब मदस्था के लिए आगे बढ़ेगी और तब तक के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। जो हमको जो कर सकते हैं अपने तरफ से प्रयास हुआ हम जरूर करेंगे। वो इसलिए मैं बात करी जबकि 22 जवान जो शहीद हुए हैं उस समय जब मुख्यमंत्री जी आए, अमित जी आए और उनके बाद ये कहा कि चले गए कि नहीं आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, उनकी खून ऐसी नहीं बहने देंगे, लेकिन उस जवान के बारे में क्या करके गए। हो सके तो यहाँ की सरकार को अभी तक जिला बीजापुर जिला में बैठ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि उनको रिहा करो और क्या आपकी मांग है वो बोलो, ये बोलना चाहिए। सरकार कुछ तरह से नहीं दिखता है और वो सरकार कब करेगी कब नहीं तब तक हम उस जवान का क्या होगा। इसलिए जवान को सुरक्षित के लिए और मैं इसी है कि नहीं होती वो मैं नहीं जानती। अगर हो सकता है नक्सलवाद भी उससे संतुष्ट होते हैं, नहीं होते इसका कोई गारंटी नहीं, पर हमारा जवान सुरक्षित और सलामत रहे और सलामत की तरह वो करके उनको रिहा किया जाए। बस मैं इसके लिए जा रही हूँ।